नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, यदि आप ग्रेनाइट खरीदने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रेनाइट को माप कर दुकानदार का पेमेंट किस तरीके से करते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ग्रेनाइट के पत्थर मार्केट में आते हैं और इसको लेने से पहले इसका मेजरमेंट करके इसका पेमेंट किया जाता है। तो चलिए हम आपको स्टेप टू स्टेप बताते हैं कि ग्रेनाइट का किस तरीके से मेजरमेंट करके पेमेंट किया जाता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि हाउ टू मेजर ग्रेनाइट फॉर पेमेंट, यानी कि ग्रेनाइट को माप कर पेमेंट किस तरीके से करते हैं। तो ग्रेनाइट का मेजरमेंट करके, यानी कि ग्रेनाइट को माप कर पेमेंट करने के लिए, सबसे पहले आपको ग्रेनाइट की लेंथ और ब्रेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को मापना होता है। तो ग्रेनाइट को मापने के लिए सिंपली आप एक टेप लेंगे, और टेप लेने के बाद सबसे पहले आप ग्रेनाइट की लेंथ यानी कि लंबाई को माप लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ग्रेनाइट रखी हुई है। यदि हम इस ग्रेनाइट के टोटल लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो 9 फीट है। तो इसी तरीके से आप भी एक टेप के माध्यम से ग्रेनाइट की टोटल लेंथ माप कर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेनाइट की जो टोटल लेंथ है वो 9 फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ग्रेनाइट की टोटल लेंथ यानी कि लंबाई 9 फीट है। ग्रेनाइट की टोटल लेंथ मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेनाइट की विड्थ यानी कि चौड़ाई को मापना है। तो ग्रेनाइट की विड्थ यानी कि चौड़ाई के डायरेक्शन में आप टेप लगाकर ग्रेनाइट की चौड़ाई को माप लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेनाइट की विड्थ यानी कि चौड़ाई को मापने के बाद 3 फीट आया। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रेनाइट की जो लेंथ और ब्रेथ है वो 9 फीट बाई 3 फीट है। तो इसी तरीके से आपको भी ग्रेनाइट की लंबाई और चौड़ाई को मापकर सिंपली लिख लेना है। ग्रेनाइट की लेंथ और ब्रेथ को मापने के बाद नेक्स्ट सिस्टम में आपको ग्रेनाइट का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई का यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रेनाइट का एरिया क्या है। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर ये वैल्यू रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो ग्रेनाइट को मापा है उसका टोटल एरिया क्या है। तो सबसे पहले यदि हम ग्रेनाइट के लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ग्रेनाइट की जो टोटल लेंथ है वो 9 फीट माप रखा है। तो हम यहाँ पर 9 फीट लिख देंगे इंटू ग्रेनाइट की ब्रिथ यानी कि ग्रेनाइट की चौड़ाई, यहाँ पर हमने 3 फीट मापी है। तो सिंपली हम 3 से गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि ग्रेनाइट का टोटल एरिया कितना हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट की लेंथ और ब्रिथ का गुणा करने के बाद 27 स्क्वायर फीट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ग्रेनाइट का टोटल एरिया 27 स्क्वायर फीट आया। तो इसी तरीके से आपको भी ग्रेनाइट का एरिया निकाल लेना है। ग्रेनाइट का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ग्रेनाइट का रेट निकालना है। तो ग्रेनाइट का रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ए इंटू आर वन एस क्यू एफ टी। ए का मतलब ग्रेनाइट का एरिया हो गया इंटू आर वन एस क्यू एफ टी। आर वन एस क्यू एफ टी का मतलब हुआ 1 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट का रेट। तो चलिए इसी फॉर्मूले पर सभी वैल्यू को रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रेनाइट का टोटल रेट कितना हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ग्रेनाइट का टोटल एरिया जो है वो 27 स्क्वायर फीट निकाला हुआ है। तो हम यहाँ पर 27 लिख देंगे इंटू 1 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट रेट। तो यह ग्रेनाइट हमें 120 यानी कि 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिली है। तो जितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ग्रेनाइट मिलेगी उसी से आपको गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हमें ग्रेनाइट जो है 120 यानी कि 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिली है। तो हम 120 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे ग्रेनाइट का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 3240 यानी कि 3240 रुपये की हमारी ग्रेनाइट हो गई। तो इसी तरीके से आपको भी सबसे पहले ग्रेनाइट की लेंथ ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई को माप लेना है। लंबाई चौड़ाई को मापने के बाद ग्रेनाइट का एरिया निकाल लेना है। ग्रेनाइट का एरिया निकालने के बाद आपको ग्रेनाइट का रेट निकाल लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल ग्रेनाइट का कितना पैसा हो गया। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रेनाइट को माप कर किस तरीके से ग्रेनाइट का पेमेंट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।